दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविड 19 जो महामारी फैली हुई है उससे पूरा विश्व समुदाय संघर्षरत है और इससे निजात पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है मगर अभी भी इंसान की जो कोशिशें हैं वो पूर्णतया कामयाब नहीं हो पाई है। इंसानों के साथ जो निर्जीव प्राणी हैं चाहे वो पशु पक्षी जो भी हो वो भी इससे प्रभावित हुए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो इंसानों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसी संदर्भ में आज एनडीआरएफ की आरआरसी अजमेर की जो टीम है उन्होंने ऐसा विचार विमर्श करके कि जो पुष्कर है पुष्कर में जहां पर अक्सर लोग आते रहते हैं वहां पर जो सैनिटाइजेशन है बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर यदा कदा कुछ न कुछ लोग वहां आते रहते हैं तो वो हमें ऐसा लगता था कि वो एक क्षेत्र है जहां बचा हुआ है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आरआरसी अजमेर एनडीआरएफ की टीम आज पुष्कर झील पे गई। वहां पे जितनी भी घाटें हैं जिन घाटों से लोगों का आवागमन होता है आते हैं जाते हैं उन घाटों को सैनिटाइज किया गया। सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव है वो किया गया चाहे वो राम घाट हो बद्री घाट हो वराह घाट हो जनाना घाट हो गऊ घाट हो इन सभी घाटों के अलावा और भी जितनी घाटें थी वहां पे इन सबको सैनिटाइज किया गया। साथ के साथ वहां पे जो हमेशा से ही पक्षी रहते हैं कबूतर वगैरह उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था भी एनडीआरएफ टीम के द्वारा की गई और वहां पे अन्य जो जानवर हैं चाहे वो बंदर हैं गाय हैं उनके लिए भी चारा पानी की वहां पे व्यवस्था एनडीआरएफ की टीम के द्वारा की गई। ये जो एनडीआरएफ आरआरसी अजमेर का जो कार्य है ये अनवरत जारी है और जब तक ये महामारी चलती रहेगी जहां पर भी निर्जीव लोग होंगे पशु पक्षी होंगे वहां पे एनडीआरएफ की टीम हमेशा तत्पर है उनकी सेवा के लिए। मैं अमर सिंह निर्माण डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ अजमेर। Thank you.